यूके का इनटेक अब जो है आपका, वो जैन फेब का तो ऑलमोस्ट क्लोज है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मार्च का दे दी है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी जो गाइडेंस है स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं मास्टर्स के लिए गाइड करती हूँ यूके, क्योंकि यूके में आप मास्टर्स जो है खाली वन ईयर की कर सकते हो, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड जो मास्टर्स हैं वो टू ईयर्स की है। तो यूके में आपका टाइम और पैसा बहुत बचता है। वो कैसे कि आपकी जो मास्टर्स है वो वन ईयर की है, मीन्स हाफ, जो बाकी कंट्रीज़ में आपने टू ईयर्स पढ़ना है, यहाँ जस्ट वन ईयर पढ़ना है आपने। तो दैट मीन्स आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी एक ही साल लग रहे हैं और एक साल में आपको मास्टर्स डिग्री मिल रही है, टू ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है। अब आप फीस की अगर बात करें तो फीस आपकी 10 लाख से स्टार्ट होके ऑन एन एवरेज 15-16 लाख जाती है, जो कि एक साल की, क्योंकि मास्टर्स एक ही साल की है। और एक साल की फीस अगर 10-11 लाख में मिल रही है, वो भी MBA या अच्छे मास्टर्स प्रोग्राम की, तो वो तो आपके लिए बहुत अफोर्डेबल है। वर्किंग राइट्स आपको 20 आवर्स पर वीक है वाइल यू आर स्टडिंग, जब आप पढ़ रहे हो। फैमिली आप मास्टर्स बाय रिसर्च में लेके जा सकते हो, अदरवाइज जब आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया मास्टर्स का, 8 मंथ्स की जस्ट स्टडीज़ है, 4+4, तो 8 महीने की स्टडी करके आपको 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। और आप पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जब आप पढ़ रहे हैं। फीस कंफर्टेबल है, कोर्सेज हर टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, वेदर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर MBA आर क्लाउड कंप्यूटिंग, या मास्टर्स मैथ्स में करना है, या नर्सिंग करनी है आपने, या मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या हेल्थ मैनेजमेंट, आप कुछ भी कर रहे हो, उन सब में आप कोर्सेज की वैरायटी इतनी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपको कहीं और इतनी ज़्यादा आपको इतने कोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। रीज़न बीइंग यूके जो है फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग से ही। वहाँ पे जितना एक पढ़ाई में आपको और कल्चर के लिए जितनी वैरायटी मिलती है, उतनी शायद कहीं और देखने को नहीं मिलती। और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम बात करें तो आप थाउजेंड्स एंड थाउजेंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओवरसीज स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, कितनी कम्युनिटी से स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट आपको हर यूनिवर्सिटी में 80 कंट्रीज़ के बच्चे मिल जाते हैं। तो आपको आप देखिए कि एक्सपोज़र कितना मिल रहा है बाकी स्टूडेंट से, उनका कल्चर जानने के, हम उनके साथ जब बातचीत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अपनी पढ़ाई हम एक ऐसी कंट्री से कर रहे हैं, इंडिया से बहुत दूर नहीं है, 7-8 आवर्स के आपके 8 आवर्स की ऑलमोस्ट फ्लाइट है, और आप घर के नज़दीक हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिल रहा है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग अगर आप चेक करेंगे, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलती हैं। एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क, प्लीज़ व्हाट्सएप योर डॉक्यूमेंट्स, और आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।